लिए पढ़े लिखे जो बेरोजगार है उनके अपन को ये इशू नहीं है उसमें कि आपकी बाउंस हो रही है कुछ। फिर आपकी कमाई कैसी होती है इसमें? टाटा की गाड़ी का दिया था, ये अपने आयशर का दिया था। अनिल भाई ने बोला, लेकिन टेंडर के बारे में बताऊँ कैसे पता चलेगा? दूसरे माल पे चला सकते हैं? चला, काम नहीं ढूंढना पड़ रहा है, घर से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। 17 दुकानें हैं हमारे पास। अच्छी कमाई भी हो रही है और अगर आप टाइम पे वो पूरा सरकारी योजना से उठी है तो अपन ने डाउन पेमेंट नहीं करना। बेंगलोर में बनती है ना कंपनी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। लो भाई, आपके डिमांड पे 6 टायर पार्टनर आपके पास पहुंच चुका है। ये पार्टनर का ये देखेंगे, अनिल भाई का ट्रक है 11-14 XL। अनिल भाई बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। और सबसे अच्छी डिसेंट बात बताओ इसके बारे में। पहले इंजन बता दूंगा, देखिए पहले प्रोफाइल देख लीजिए, चली रही है ये गाड़ी, ये देखिए आप। ये है कि जो गवर्नमेंट टेंडर है ना उस पर चलती है, गवर्नमेंट खुद गाड़ियाँ ये चलाती हैं। अनिल भाई भी इस गाड़ी को मतलब चलाते हैं और उन्होंने टेंडर लेके खुद की गाड़ी डाल दी है। इंजन बता दो, 2953 CC 2953 CC का इसमें इंजन आता है, 140 HP 140 HP की पावर, वो 360 शायद, हाँ 360 Nm का इसमें टॉर्क आता है। 11,280 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट है। चलते चलते देखो, वो फिल्टर लगा हुआ है, 2 प्रेशर टैंक वहाँ पे, एग्जॉस्ट नीचे, वहीं बैटरी लगी हुई है, एक टायर उधर, ये चीची सीरिया देख सकते हैं आप, और 2 टायर इधर लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट के जो उस पर चलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अनाज वगैरह, उस पर चलने वाली ये गाड़ी है। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं, देखिए आप, उधर उसका डीजल टैंक लगा हुआ है। भागते भागते थोड़ा बताना पड़ेगा क्योंकि वो भी काम पे कर रहे हैं, काम पे चल रही है गाड़ी। एड ब्लू टैंक बहुत छोटा सा है इसका, डीजल टैंक में ताला लगा हुआ है, शायद 190 लीटर का इसका टोटल डीजल टैंक आता है पूरा। ये गाड़ी रुक गई थोड़ी सी, इसके मतलब गेट वेट भी अच्छे हैं, नॉर्मल सी हेडलाइट आती है, ये ऊपर इंडिकेटर दे रखे हैं, नीचे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं है। लीलैंड की बैजिंग, यहाँ अशोक लीलैंड लिखा हुआ है, और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी है। देखिए पार्टनर सुपर ZD30 DDTI लिखा है, 11-14। देखिए अभी अंदर से चल के देखते हैं, तो ये देखो आप अंदर से आप देखोगे तो ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल दे रखा है, ये वाइट में, ये लॉक अनलॉक, ये चढ़ाने के लिए स्पीकर कंपनी से दे रखा है। अनिल भाई आपने अंदर से इसमें कुछ भी नहीं कराया है? अंदर से कुछ भी नहीं कराया, देखो पूरा ओरिजिनल लग के रखा अनिल भाई ने। ये देखिए अब अंदर से इसमें कुछ भी नहीं है, सीट बिल्कुल कार जैसी नहीं लग रही इसकी अनिल भाई, ये देखिए कार जैसी सीट है, डैशबोर्ड भी बहुत बढ़िया है इसका। AC आता है अनिल भाई इसमें? इसमें फैन है। अच्छा फैन दे रखा है, लेकिन फैन के स्विच भी अच्छे दे रखे हैं यार, थोड़ा हेवी वाला दोनों। अच्छा कम पे भी चला सकते हैं ये, और ज्यादा पे भी चला सकते हैं। बाकी ये क्या है, EB? ये EB है, हेवी, उस पे लोड पे जो चलती है गाड़ी, पहाड़ वगैरह पे चढ़ेगी तो उसमें अपन ये दबा देंगे तो उसमें लोडिंग यानी सिंपल चलेगी, गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें जो वायरस वगैरह आता है तो उसके लिए निकालने का है। अच्छा उसको प्रेस कर, रीजनरेशन वाला बटन, ये चारों इंडिकेटर पार्किंग वाला, 6 गियर है टोटल रिवर्स मिला के, 6 गियर है। और MID स्क्रीन देखो आप कितनी प्यारी है, मतलब कार जैसी छोटी सी, और बैठक भी आपकी बहुत बढ़िया है, यहाँ इसका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। अनिल भाई ये गियर और यहाँ होता ना तो ये पूरा स्पेस आपको मिल जाता है। हाँ, ये अगर गियर थोड़ा सा आगे या इसमें अभी जो बाल्बो वगैरह में आते हैं जो टाटा की अल्ट्रा में आता है, अल्ट्रा में आता है, अगर सामने होता छोटा लीवर होता तो और अच्छा रहता। हाँ, ये थोड़ा सा बस ये एक मुझे ये लगा कि लीवर थोड़ा बड़ा दे दिया है ना, क्योंकि कोई हेवी इंसान होगा तो उसको थोड़ा दिक्कत आएगी। बाकी स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं, वो दे रखा है, एडजस्ट कर सकते हैं, सीट एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। कितने का लिया था अनिल भाई आपने? ये अपन को पड़ी है 18 की लगभग पड़ी है, पूरा फाइनेंस सब करा के। कितना डाउन पेमेंट करा था आपने इसमें? तो वो सरकारी योजना से उठी है तो अपन ने डाउन पेमेंट नहीं करा है। सरकारी योजना से कैसे उठी? मतलब मुख्यमंत्री अनुदान योजना से। अच्छा, हाँ, उसमें तो कुछ फॉर्म भरना पड़ता है? उन्हीं ने करा है जमा, मुख्यमंत्री अनुदान योजना वाले। हाँ। मुख्यमंत्री के तौर पे जमा हुई है, अपन को सिर्फ फाइनेंस जमा करना है इसका। क्या बात कर रहे हैं, तो ऐसे हर कोई कर सकता है फिर? नहीं, हर कोई नहीं, इसका टेंडर होता है, इसमें पर्चियां उठी थी अपनी कलेक्टेड ऑफिस में। तो कैसे पता चलता है इसके टेंडर के बारे में? नहीं, ये तो अब हो चुका, जो पुरानी गाड़ियां चल रही थी उनको खत्म करके मुख्यमंत्री ने नई गाड़ी। हाँ, कितने साल का टेंडर होता है ये? 7 साल का हुआ है। ट्रांसपोर्ट बेरोजगारों के लिए, पढ़े लिखे जो बेरोजगार है। हाँ। उनके लिए टेंडर भी दिया है। अच्छा, काम भी दिया है। कोई भी भर सकता है इसको टेंडर को? हाँ, हेवी लाइसेंस वाला पढ़ा लिखा कोई भी भर सकता है। तो मतलब जैसे 7 साल में एक बार होता होगा टेंडर? हाँ। तो ये ट्रांसपोर्टर ही निकालते हैं टेंडर को? वो ऊपर से ही आता है सरकार द्वारा। अच्छा, मतलब पेपर में न्यूज आती होगी या कहीं से आप पता कर लो कि टेंडर का है, तो कलेक्टेड ऑफिस जो होते हैं जिस एरिया के, वहाँ पे भरा जाएगा। तो हर जगह, हर स्टेट की मंडी में ही होता होगा? हर मंडी में निकली है ना, यही गाड़ियाँ चल रही है सब जगह अपने। तो मतलब जैसे अब आपको इसको पैसा बिल्कुल भी नहीं भरना पड़ा? अपन को शुरू में नहीं भरना पड़ा, लेकिन अब अपन को किस्तें भरना पड़ेंगी। किस्तें तो भरनी पड़ेंगी आपको, लेकिन जैसे मान लीजिए क्या बेस पे उठा के दिया गवर्नमेंट ने आपको? कुछ डॉक्यूमेंट तो मांगे होंगे अपन से? जो फाइनेंस में लगते हैं
पूरे कागज मांगे हैं उन्होंने। हाँ। और गारंटी सरकार की लगी हुई है उसमें। ये अच्छा। बेरोजगारी के लिए, मतलब सिर्फ लाइसेंस जिसके पास हाँ। ये भी उसको भी मिल जाएगा ट्रक। ये बेरोजगारी के लिए है, जो बेरोजगार थे ना। तो इसमें भाड़े वाले का कोई आइडिया नहीं रहता अनिल भाई? नहीं, इसमें अपना बजट आता है कैसे, अपन को 3,000 क्विंटल डालना है। 17 दुकानें हैं हमारे पास। 17 दुकानों में अपन को 3,000 क्विंटल डालना है, तो वो एक महीने के अंदर अंदर अपन को माल डाल के देना है दुकान। मतलब एक महीने में 17 दुकान फिक्स कर दी गई है। हाँ, उनको माल देना है तो वो बांट सकते हैं गरीबों में। अच्छा, ये मतलब ये सोसाइटी वाला है, सोसाइटी वाला माल रहता है, भाड़े वाड़े का कोई लेना देना। फिर आपकी कमाई कैसी होती है इसमें? अब वो अपन को रेट देते हैं ना, उस हिसाब से अपन को। अच्छा, मतलब अपन उस पे कमा सकते हैं जो बेचते हैं अपन? नहीं 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 नहीं, ये अपन को सरकार ने अब ऐसे 48 रुपए के क्विंटल के हिसाब से अपन को रेट दिया जी, जी। उसमें से अपन को लेबर का देना है। हाँ? डीजल का देना है। हाँ? और किस्त चढ़ाना है। हाँ? उसके बाद जो अपन को बच जाता है उसमें, और गाड़ी अपनी फ्री हो रही है और एक रोजगार मिल गया। तो किस्त जो अपन भरते हैं वो उसी से भरते हैं, उसी से कमा, उसी से ही। अपन को ये इशू नहीं है उसमें कि आपकी बाउंस हो रही है, कुछ भी हो रही है। अच्छा, भरा जाती है डायरेक्ट उसमें ही आता है खाते में पैसा, और खाते में से वो काट लेते हैं। किस्त कितनी आती है इसकी? इसकी आ रही है अपनी 38,800 रुपए के लगभग। माइलेज कितना दे रहा है अभी ये ट्रक जी? एवरेज कितना दे रहा है ये? अभी ये दे रहा है अपना 6-8 का। 6-8 का दे देता है भरे पे? भरे जैसे 11,280 पूरा वजन है इसमें जी। जी, और रख भर कितना सकते हैं? 60 टन, 6.5 टन। 6.5 टन तक का है, लेकिन अपन को 73 क्विंटल के लगभग मिलता है। 7 क्विंटल 300 किलो के आसपास आपको मिल जाता है। गाड़ी आपको ये कैसी लगी? गाड़ी एक नंबर है। मतलब ये गाड़ी आपने आपकी मर्जी से उठाई है कि ये गाड़ी भी गवर्नमेंट ने? मतलब नहीं नहीं, उन्होंने 3 कंपनियां दी थी। टाटा की गाड़ी का दिया था, ये अपने आयशर का दिया था, अशोक नीलेट का। इनमें से आपको 75 टन के अंदर अंदर की गाड़ी उठाना है, तो अपन को तो पहले से 75 टन के अंदर की 7.5 टन। हाँ भाई, 7.5 टन। हाँ, हाँ। तो उसके लिए अंदर अंदर उठाना है, तो अपन अच्छा। को तो यही समझ में आई थी, इसलिए अपन ने उठाई। क्या बात कर रहे हैं, मतलब ये पार्टनर बहुत कम देखने को मिलती है मार्केट में, इसलिए मैंने सोचा। नहीं नहीं, अपन क्या पहले से ही, मैं आयशर में भी था, आयशर कंपनी में। क्या बात है। और अशोक नीलेट में भी था, वहाँ पे क्या नाम है, बेंगलोर में बनती है ना। कंपनी में क्या करते थे आप? ट्रांसपोर्टिंग का काम था हमारा, गाड़ियाँ ये नई चीज छोड़ना। तो मतलब आपको ज्यादा आइडिया था गाड़ियों का। तो ये गाड़ी आपकी सेलेक्ट करने की वजह यही रही कि गाड़ी अच्छी लगती है आपको? पार्टनर अच्छा है इसका, एवरेज अच्छा है। हाँ। और ये लंबी रेट पे अच्छी चलती है, मेंटेनेंस नहीं मांगती हाईवे के लिए। जो इसकी सर्विस वगैरह वो फंडा सब आपके रहता होगा ना? सर्विस अभी फ्री है इसकी, एक आध हुई अभी। हाँ, एक सर्विस। कितना खर्चा आया उसमें? ऑयल पानी का ये करके सब अपना फिल्टर मिल्टर करके 10,500 रुपए खर्चा आया। अनिल भाई, जैसे फिर भी मान लो अगर इसकी किश्त विश निकाल ले तो क्या बच जाता होगा इसमें? 15-20 हज़ार रुपए बच जाता है, ये समझो अपनी पेमेंट बच रही है और गाड़ी फ्री हो जाएगी साथ। तो मान लो गाड़ी फ्री हो गई तो गाड़ी तो अपनी हो जाएगी ना? हाँ, गाड़ी अपनी हो जाएगी। तो ये नाम आपकी है कि अभी गवर्नमेंट के नाम है गाड़ी? नहीं, अभी तो ये अपन जब तक फ्री नहीं हो जाएगी वो तो कोई भी फाइनेंस हो उसके ही नाम रहती है। फ्री होने के बाद आपके नाम हो जाएगा? नाम अपना चल रहा है, जब तक ये फ्री हो जाएगी पूरी किस्ते कंप्लीट हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगी, गाड़ी अपनी है। तो 5-7 साल अगर इस गाड़ी में काम कर लिया तो एक तो महीने का अपन वैसे भी कमाएंगे, उसके बाद गाड़ी अपनी। ये है कि घर का अपना जो अपन बाहर तनख्वाह मिलती थी 10,000 रुपए, हाँ। वो अपन ने नहीं करना पड़ रहा है, काम नहीं ढूंढना पड़ रहा है, घर हाँ। से बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। घर अपना यहीं पे आते हैं, यहाँ मंडी से भरते हैं, यहीं के यही टेंडर है अपना। अच्छा, कितने फिट की बॉडी है इसकी? इसकी 20 फिट की बॉडी है पीछे पीछे, और केबिन अलग है। मतलब आपका कहने का मतलब ये अनिल भाई कि कोई अगर 7.5 टन पास की गाड़ी लेना चाहता तो उसके लिए गाड़ी अच्छी है? बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी गाड़ी आयशर से तो अच्छी है। क्या बात कर, मतलब मेंटेनेंस में कैसी? मतलब खर्चा तो ज्यादा नहीं निकालेगी? नहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं है, अभी 7-8 महीने हो गए आप देख रहे हो चल रही है। जैसे 7.5 टन तो अपन भरी सकते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे ओवरलोड का कोई मामला आया तो कितना ले जा सकती है गाड़ी? ताकत तो आप 14-15 टन तक बन लो। अच्छा, इतनी मतलब रखती है ताकत? बिल्कुल। 7.5 टन पे मालूम नहीं चलती, आप तो बैठ के आज आजीब अभी भरा के आ रही है, आप देख लेना दूसरे तीसरे। गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अंदर बस ये कि एक इंसान इसमें सो सकता है, बस एक इंसान के लिए जगह है। इसमें भी डबल केबिन आ रहा है ना, जो बड़ा मॉडल लेंगे डबल केबिन आ रहा है पीछे हाईवे के लिए। अच्छा, जो लॉन्ग पे चलाते हैं उनके लिए आ रहा है। वैसे ये तो कार में जरूरत पड़ती है आयरन की? नहीं, आजकल तो ये सब सुविधा कर दी है ना, चेहरा मेरा देखने के लिए। ले लीजिए, कांटा करा लेते हैं अभी। अनिल भाई ने क्या कांटा वाटा करा लिया इसका? कांटा हमेशा होता होगा खाली, कब यहाँ से आप मंडी से माल भरेंगे? गोडाउन से माल भरेंगे। हाँ, से माल भर के फिर कांटा होगा वजन के हिसाब। हाँ, फिर उसके बाद में आरओ बनेंगे। तो ये वैसे 17 दुकानों पे आपको महीने भर में देना, तो भले अपन 10 दिन में ही पूरा कर दो काम, जितनी जल्दी हो जाए। वो तो क्या, थोड़ा ओवरलोड नहीं मिल रहा है, अंडरलोड मिल रहा है, इस चक्कर में अपन को लेट हो रहा है थोड़ा। तो अनिल भाई, इसमें मतलब ऐसा नहीं रहता कि जैसे अगर वो अपन ने पूरा कर दिया महीने भर में 17 दुकानों को दे दिया, तो दूसरे माल पे चला सकते हैं?
चला सकते हैं, लेकिन दो तीन दिन का टाइम मिलता है अपन को, दो चार दिन का। अगर मेहनत करके 20 दिन में अपन ने कवर कर लिया तो दूसरी जगह पे चला लो अपन, ऐसे कर सकते हैं। चला सकते हैं, लेकिन क्या है कि अपन अब आदमी थक जाता है, एक महीना पूरे परमानेंट काम करना पड़ता है। अब आपने देखा कि माल डालने के चक्कर में अपन को माल की लोजिंग आ रही है। सही बात, अपन को छुट्टी नहीं मिली आज भी संडे को, संडे को भी खुल जाता है, छुट्टी वाले दिन भी खुल जाता है। तो अपन को क्या माल भी देना जरूरी रहता है, दुकान वालों को बांटने की दिक्कत आती है ना। जी जी, यहीं से भरेंगे आप, है ना। हाँ, चलिए मुझे यहीं छोड़ दीजिए अनिल भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा अनिल भाई, आपने जानकारी बहुत अच्छी दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई आपका। अनिल भाई को मैं काम करने देता हूँ, गोडाउन जा रहे हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते उनको। देखो भाई जल्दी की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन अपन ने आपको पूरी दे दी। ज्यादा दूर चले जाता तो गाड़ी रह जाती है, फिर गोडाउन में परमिशन मिले नहीं मिले कोई कुछ बोलते अपने, समझ रहे हो, बोल रहे। लेकिन भाई ये एक अच्छी चीज है, देखो एक बात बताऊँ, अनिल भाई ने बोले लेकिन टेंडर के बारे में बताऊँ कैसे पता चलेगा। टेंडर के बारे में या तो ट्रांसपोर्टर बताएगा या आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, कुछ तो आपको जानकारी रखना पड़ेगी, तभी जाके इसके टेंडर के बारे में आपको पता चलेगा। और जैसे कि बताया 5-7 साल में टेंडर निकलता है, लेकिन अच्छी चीज़ है भाई, अपने को कोई पैसा वैसा देना नहीं, किस्त इसी से भरा जाती होगी, अच्छी कमाई भी हो रही, और अगर आप टाइम पे वो पूरा कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वही जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, तो आप उसको दूसरे माल पे भी चला सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश पूरी करी जितनी थी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, और बाकी इन्फॉर्मेशन गाइस हमारी। तो गाइस होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई की चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इससे अमेजिंग वीडियोज आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।